हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। प्रीवियस सेशन में हमने एक्सरसाइज 8.1 और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलेस थे सबके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आपको बताए थे। आज का टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 8.2 और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू टेबल। स्टूडेंट्स, ये बच्चों को याद नहीं होता, हालांकि ये बहुत आसान है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम देखेंगे इस वैल्यू टेबल को हम लर्न कैसे करेंगे और लर्न बाद में करेंगे, पहले आप समझने की कोशिश करो। अगर आपको समझ में आ गया तो ये टेबल आप खुद ही बना लोगे। ओके, तो चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास 6 रेशियोज थे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेकेंट, ट्वेल्थ, कॉट, ये सारी वैल्यूज आपको मालूम है और इन सारे एंगल्स की वैल्यू हमें निकालनी है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो स्टूडेंट, सपोज अगर आपको साइन की वैल्यूज निकालनी है तो बहुत आसान है, आप इस सब पे रूट लगाओ, इस सब पे सारे एंगल्स के लिए रूट। ओके, सबसे पहला स्टेप सारे एंगल्स के लिए रूट अप्लाई करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर आपको लिखना है 0, 1, 2, 3, 4। ओके, और इन सारे नंबर में 4 से डिवाइड देना है। जब आप 4 से डिवाइड दोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 2 2 2 4 कैंसिल ना, और इस 4 से 4 कैंसिल कितने पे, 1 पे। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, जो साइन की वैल्यू होगी किसी भी नंबर से जब 0 में डिवाइड देंगे तो क्या होगा, 0, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0 होता है, याद रखना। तो 0 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। ओके, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1, और 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो इसे हम अंडर रूट 2 लिखेंगे, याद रखना। यहाँ पे 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो इसे हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 3, और इस 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1। स्टूडेंट्स देखो कितनी आसानी से हमने साइन की वैल्यू फाइंड कर ले। ओके, इसके बाद आप क्या करेंगे, देखो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक होता है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। तो देखो रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे, अगर कोई नंबर 0 गिवन है, अगर आप इसको इसका रेसिप्रोकल निकालना है तो आप अपॉन में 1 लिखो, और इसका रेसिप्रोकल जब भी निकालना है तो आप क्या करो, जो डिनोमिनेटर से उसे ऊपर लिखो, जो न्यूमरेटर से उसे नीचे लिखो डायरेक्टली। तो बताओ किसी भी नंबर में जब 0 से डिवाइड देंगे तो आंसर आपका कितना आता है, इन्फिनिटी आता है, याद रखना। तो कॉसेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। ओके स्टूडेंट्स, 1/2 का रेसिप्रोकल चाहिए तो 1/2 का रेसिप्रोकल निकालने के लिए क्या लिखेंगे, 2/1, और जब 1 से 2 में डिवाइड देंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 2। तो इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, 2। सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, √2, और इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, 2/√3। और याद रखना 1 का रेसिप्रोकल हमेशा 1 होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, तो देखो साइन और कॉसेक की वैल्यू निकाल ली हमने, इसी प्रकार से हम निकालेंगे कॉस की वैल्यूज। स्टूडेंट्स जो साइन की वैल्यूज है आपकी, आप उसे राइट साइड से लिखना शुरू करो। राइट साइड में लास्ट में कितना गिवन है, 1, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। इसके बाद कितना गिवन है, √3/2, तो हम यहाँ पे √3/2 लिखेंगे। इसके बाद कितना गिवन है, 1/√2, तो 1/√2 लिखेंगे। देन कितना गिवन है, 1/2, तो 1/2 लिखेंगे, और यहाँ पे 0 गिवन है तो 0 लिखेंगे। ओके, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। तो जब कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है तो सेक की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, 1 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 1, अगर आप √3/2 गिवन है तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 2/√3, इसका कितना हो जाएगा, √2/1, और जब 1 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। सिमिलरली 1/2 का कितना हो जाएगा, 2, और 0 का रेसिप्रोकल 1/0, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। ओके स्टूडेंट्स, 10 की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। 10 थीटा का फॉर्मूला था हमारा, 10 थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, मतलब हम क्या करेंगे, जो साइन की वैल्यूज है और जो कॉस की वैल्यूज है
इस दोनों का क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। ओके तो स्टूडेंट्स देखो, साइन की वैल्यूज ये वाली हमारी राइट, और कॉस की वैल्यूज ये वाली हमारी। तो 0/1, अगर आप 0/1 की वैल्यू निकालो किसी भी नंबर से, जब 0 भी डिवाइड देंगे तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखो ये 1/2 और ये 2/1, ये 1/2 और ये √3/2, रेशियो निकालो 1/2 और अपॉन √3/2, तो क्या हो जाएगा, इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, योर रिजल्ट इज 1/√3। ओके इसी प्रकार से अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ भी 1/√2, यहाँ भी 1/√2, और सेम थिंग्स का रेशियो हमेशा कितना आता है, 1 आता है। और यहाँ पे कितना आपके पास, √3/2, यहाँ पे 1/2। तो अगर √3/2 और 1/2 का रेशियो निकालोगे तो दिस एंड दिस क्या होगा, कैंसिल, 1 से √3 में डिवाइड देंगे तो रिजल्ट कितना आएगा हमारा, √3, याद रखना। ओके और इसके बाद ध्यान दीजिए, ये 0 की मैंने और ये कितना की मैंने, 1, तो 1/0 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, इन्फिनिटी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो फाइनली हमारी 10 की वैल्यू आ गई, 10 0 0, 10 31/√3, 10 45/1, 10 60/√3 एंड 10 90 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। ओके स्टूडेंट्स, जो 10 का रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कॉट, ध्यान दीजिए। तो बताओ 0 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/0, और इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी, इन्फिनिटी। 1/√3 का रेसिप्रोकल कितना होगा, √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, और √3 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 1/√3, याद रखना। इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से दिस इज योर वैल्यू टेबल्स, और इसके हेल्प से हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर पाते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम एक्सरसाइज 8.2 डिस्कस करेंगे उसी वैल्यू टेबल के हेल्प से जो अभी हमने सीखा था। तो देखिए एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इवैल्यूएट साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री, इन सब की वैल्यूज आपको पुट अप करनी है। तो ध्यान से देखो, साइन 60 की वैल्यूज अभी हमने क्या देखा था, √3/2, कॉस 30 की वैल्यू हमारी थी क्या, 1/2, ध्यान, कॉस 30 की वैल्यूज भी होती है √3/2, ध्यान देना, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ओके और जब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 = 4, और प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 = 4, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, 3+1 दैट इज इक्वल टू 4/4, और इसकी वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, 1, यही हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की बात करो, ये गिवन आपका 2 tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ओके तो ध्यान रखना कि अगर आपके पास टेन स्क्वायर थीटा आ जाए तो आप इसे लिख सकते हो क्या, टेन थीटा का होल स्क्वायर, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। ओके तो आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो 2 tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर, और इसे क्या लिख सकते हो, कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। ओके तो क्या हो जाएगा, 2 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 का स्क्वायर, और प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 का स्क्वायर, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 का स्क्वायर। ओके तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 इक्वल एंड अपोजिट वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 × 1 = 2। ओके ओके स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है हमारा, cos 45 upon sec 30 plus cos 30। तो देखो cos 45 की वैल्यूज तो आपको याद है 1/√2, कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन sec 30 के लिए याद करो, कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना sec, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी थी, √3/2, तो sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2 का रेसिप्रोकल, दैट इज 2/√3। ओके
टू अपॉन रूट थ्री, और कॉसेक 30 के लिए याद करो क्या, साइन 30 की वैल्यू कितनी थी 1 अपॉन टू, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है तो 1 अपॉन टू का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1, और जब 1 से 2 में डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन 1। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, जब आप इसे लिखोगे 1 अपॉन रूट टू, नीचे वाले टर्म का आप लेंगे एलसीएम, रूट थ्री और 1 का एलसीएम कितना होगा रूट थ्री, इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2, 2 को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 2 रूट थ्री। याद करो जब कभी भी दो फ्रैक्शंस रेशियोज में आएंगे तो क्या करोगे, फर्स्ट और सेकेंड टर्म बिल्कुल फिक्स, जो फोर्थ टर्म है वो ऊपर चला जाता है और जो थर्ड टर्म है वो नीचे आ जाता है 2 प्लस 2 रूट थ्री। रूट वाले मल्टीप्लिकेशन में याद रखना, अगर एक टर्म रूट में है दूसरा भी रूट में है तो रूट के बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट के अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखना 9th क्लास में था रेशनलाइजिंग टॉपिक में, तो क्या होगा ध्यान से देखिए, इस रूट थ्री को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट थ्री, इस 2 को रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 रूट टू। अब देखो इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करो तो रूट के बाहर कितना है 1, 1 को 2 से करेंगे 2, और रूट के अंदर वाले को रूट के अंदर वाले से, तो 2 3 जा 6। ओके दूसरी बात, रूट वाला टर्म कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, अगर कभी आ जाए तो हम उसे क्या करेंगे रिमूव करेंगे बाय रेशनलाइजिंग। तो इसे आप क्या करोगे रेशनलाइज करोगे, और रेशनलाइज करने का मेथड आपको मालूम है कि नीचे अगर हमारे पास गिवन है 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6 तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 और अपॉन 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6, जो भी नीचे वाला टर्म्स है इसके अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या होगा रूट 3 से इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम, रूट 3 इंटू 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6, 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6, और नीचे क्या देखो ध्यान से a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a के प्लेस में कितना लिखेंगे आप 2 रूट 2 का स्क्वायर और b के प्लेस में कितना लिखेंगे 2 रूट 6 का होल स्क्वायर। ओके तो क्या हो जाएगा 2 रूट 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करो रूट 6 माइनस 2, और रूट 3 को रूट 6 से करो 3 6 का 18, और इस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 माइनस इस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, रूट 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा ध्यान से देखिए ये हो जाएगा 2 रूट 6 माइनस 2। स्टूडेंट्स इसे कितना लिख सकते हैं, इसका प्राइम फैक्टर आ गया आपका 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6 3 जा 18, और नीचे भी कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 4 6 जा 24। ओके तो ध्यान से देखिए ऊपर से 2 दोनों में से क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है ना, ये 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, या इसे पहले आप सॉल्व कर लो 2 रूट 6 माइनस 2 इंटू रूट के अंदर जो सिमिलर फैक्टर होते हैं उसे रूट से बाहर लिखेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर कितना बचेगा 2, और 8 में से 24 माइनस करो माइनस का 16। तो ध्यान से देखिए अगर आप ऊपर से 2 कॉमन करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट 6 माइनस, जब 2 कॉमन करेंगे तो क्या बच जाएगा 3 अंडर रूट 2 और अपॉन माइनस 16, 2 के टेबल में कितना आ रहा है 8 पे ना। ओके इस माइनस को आप ऊपर लेके जाओ ये हो जाएगा माइनस और ये कितना हो जाएगा रूट 6 और माइनस 3 रूट 2 अपॉन 8। स्टूडेंट्स जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस रूट 6, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस 3 रूट 2 अपॉन 8। याद रखना अगर एक टर्म नेगेटिव हो और एक टर्म पॉजिटिव हो तो हम पॉजिटिव टर्म को पहले लिखते हैं तो 3 रूट 2 माइनस रूट 6 और अपॉन 8, दिस इज योर आंसर। ओके ओके स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो बताओ साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 2, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और देखो sin 60 की वैल्यू कितनी थी 2 रूट 3 अपॉन 2, तो cosec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 अपॉन रूट 3, ध्यान देना अपॉन cos 30 की वैल्यू कितनी थी रूट 3 अपॉन 2, तो sec 30 की कितनी हो जाएगी 2 अपॉन रूट 3, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 2, cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। ओके स्टूडेंट्स
इसके अपॉन में भी वन ले लीजिए, इसके अपॉन में भी वन ले लीजिए और पहले ऊपर वाले का एलसीएम लो, तो क्या हो जाएगा, इस टू वन और रूट थ्री का एलसीएम कितना हो जाएगा, टू रूट थ्री। ध्यान से देखिए, जब टू से इसमें डिवाइड होगे तो टू से टू क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, रूट थ्री ना। इस रूट थ्री को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट थ्री। सिमिलरली जब वन से टू रूट थ्री में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, टू रूट थ्री। इस टू रूट थ्री को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, टू रूट थ्री। माइनस इस रूट थ्री को रूट थ्री से टू रूट थ्री में डिवाइड देंगे तो रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, क्या बचेगा, टू, टू टू जा फोर। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से नीचे वाले टर्म का आप क्या करो, एलसीएम लो, तो रूट थ्री और टू का एलसीएम कितना हो जाएगा, टू रूट थ्री। देन अगर आप रूट थ्री से इसमें डिवाइड दो तो रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, क्या बचेगा, टू, टू टू जा फोर। सिमिलरली इस टू से डिवाइड दीजिए, जब टू से डिवाइड देंगे तो टू से टू क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना आएगा, रूट थ्री। इस रूट थ्री को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगेन प्लस वन से इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, टू रूट थ्री। इस टू रूट थ्री को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, टू रूट थ्री आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर सेकेंड और फोर्थ टर्म सेम हो तो कैंसिल किया जा सकता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके अब क्या होगा, वन रूट थ्री, टू रूट थ्री क्या हो जाएगा, थ्री रूट थ्री, और माइनस फोर अपॉन वन रूट थ्री, टू रूट थ्री क्या हो जाएगा, थ्री रूट थ्री, और प्लस का फोर। आ गया ना नीचे रूट वाला टर्म, जब कभी भी नीचे रूट वाला टर्म आ जाए तो हम करेंगे वही नाइन्थ क्लास वाली रेशनलाइजिंग। उस रेशनलाइजिंग का मेन पर्पस क्या है, ताकि नीचे से रूट हमारा क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो स्टूडेंट्स, इसकी रेशनलाइजिंग करने के लिए क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे थ्री रूट थ्री माइनस फोर अपॉन थ्री रूट थ्री माइनस फोर से। ओके अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस थ्री रूट थ्री से इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस फोर से इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब थ्री रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, थ्री रूट थ्री इंटू थ्री रूट थ्री माइनस फोर, थ्री रूट थ्री माइनस फोर, फिर माइनस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस फोर इंटू, तो क्या हो जाएगा, रूट थ्री, वन रूट थ्री और टू रूट थ्री क्या हो जाएगा आपका, थ्री रूट थ्री, और ये कितना रिमेनिंग टर्म्स, माइनस फोर अपॉन वन रूट थ्री, टू रूट थ्री क्या हो जाएगा, थ्री रूट थ्री, और प्लस का फोर। स्टूडेंट्स, जब भी रूट वाला टर्म नीचे आ जाए तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइजिंग। तो जब आप रेशनलाइजिंग करोगे तो क्या होगा, थ्री रूट थ्री प्लस, थ्री रूट थ्री अगर यहाँ पे प्लस फोर है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फोर अपॉन थ्री रूट थ्री माइनस फोर। ओके तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा नेक्स्ट टर्म, इस थ्री रूट थ्री से इस सारे नंबर को मल्टीप्लाई करो। सब फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री रूट थ्री माइनस फोर को, देन माइनस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन माइनस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री रूट थ्री माइनस फोर को, और डिनोमिनेटर्स में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, थ्री रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर। ओके अब देखो, रूट के बाहर वाले को रूट के बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट के अंदर वाले को रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट के अंदर सिमिलर वैल्यू, जैसे रूट टू इंटू रूट टू तो स्क्वायर रिड्यूस हो जाता है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, टू हो जाती है। रूट थ्री इंटू रूट थ्री में स्क्वायर रूट रिड्यूस हो जाएगा, क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, थ्री। याद रखना, रूट के अंदर अगर सिमिलर वैल्यूज है आप उसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो स्क्वायर रूट है वो क्या होता है आपका, हट जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो क्या होगा, इस थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन। इस रूट थ्री को रूट थ्री से करेंगे तो कितना हो जाएगा, थ्री माइनस, फिर फोर को थ्री रूट थ्री से करो तो फोर थ्री सा ट्वेल्व रूट थ्री, अगेन माइनस, फोर थ्री सा ट्वेल्व रूट थ्री माइनस माइनस प्लस फोर फोर सा सिक्सटीन। नीचे एक रूट थ्री का स्क्वायर कितना होगा, थ्री, और थ्री का स्क्वायर नाइन, तो ये हो जाएगा नाइन इंटू थ्री, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन। ओके तो नाइन थ्री सा 27। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, 12 रूट थ्री, 12 रूट थ्री, 24 रूट थ्री, ओके, और प्लस 16 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 27 माइनस 16। तो एक बार जब 27 और 16 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 43 माइनस 24 रूट थ्री, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 11, और दिस इज योर आंसर। ओके ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा।
5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए व्हाट वी कैन राइट, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री का होल स्क्वायर। ओके, और एक बात याद करो, जब थीटा की वैल्यू सेम हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। याद रखना, जब भी थीटा की वैल्यू सेम हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, तो क्या हो जाएगा देखिए, 5 और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4। देखो स्टूडेंट्स, cos 30 की वैल्यू थी 2/√3, √3/2, तो sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3, तो इट बिकम्स 2/√3 का होल स्क्वायर। देन 10/45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 × 1/4 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो इट बिकम्स 5 × 1/5/4 प्लus 4 × 4 = 16/3 माइनस 1/1। ओके, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12, ध्यान से देखो 4 × 3 = तो 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 4 तो 16 × 4 = 64 और 1 × 12 = तो 12 × 1 = 12, तो इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा 5 × 4 = 9, 6 × 1 = 7 माइनस 12/12, यही होगा ना, माइनस कीजिए तो 9 − 7 − 1 कितना होगा 6/12, तो 67/12 इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारा 2 tan 30 degree upon 1 plus tan square 30 degree, तो क्या हो जाएगा 2 × 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 और 1 + 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2/√3 अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3, इसे सॉल्व कीजिए तो 2/√3 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 3 ना, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3 + 1 = 1, तो इट बिकम्स 2/√3 / 3 और 1 क्या हो जाएगा 4/3। ओके, तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, 2/√3 × जो फोर्थ टर्म है वो ऊपर जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा आपका 4, 2 × 2 = 4, √3 के टेबल में कितने पे जा रहा है √3 पे, इट बिकम्स √3/2। ऑप्शन से आपका क्या साइन 60 cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, हो नहीं सकता, tan 60 कितना होता है √3, ये भी नहीं हो सकता, sin 30 1/2 नहीं हो सकता, तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा आपका sin 60 डिग्री एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। ओके, इस ऑप्शन नंबर ए यू कैन से। इसके बाद इसका सेकेंड क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिए, 1 − tan² 45 degree, 1 − tan² 45 degree अपॉन 1 + tan² 45 degree, तो स्टूडेंट्स 1 − tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 का स्क्वायर और 1 + tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 − 1 upon 1 + 1, तो 1 − 1 = 0/2 that is equal to 0। तो क्वेश्चन में कह रहा है 10 90 degree की वैल्यू नहीं हो सकती बिकॉज 10 90 इन्फिनिटी होता है, 1 है ही नहीं, साइन 45 कितना होता है 1/√2, ऑप्शन डी में 0 गिवन है, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गिवन है ध्यान से समझिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है साइन 2a इक्वल्स टू 2 sin a। स्टूडेंट्स ध्यान से समझो, क्वेश्चन में कह रहा है a की वैल्यूज बताओ, ध्यान देना, अगर साइन 2a इक्वल टू 2 sin a गिवन है तो इसमें देखो तो 4 एंगल हमारे पास गिवन है 0, 30, 45, 60, अगर आप 30 पुट अप करोगे तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, अगर आप 30 डिग्री के लिए चेक करोगे तो ये कितना हो जाएगा साइन 2 × 30 = 60 ना, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इस साइड चेक करो
टू और ये हो जाएगा साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है रूट थ्री अपॉइंट टू, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकेंडली कितना की मैंने 45 डिग्री चेक करो तो क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू 45 मीन्स साइन कितना होगा 90 डिग्री, इधर चेक करो 2 इंटू साइन 45 तो 2 साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 तो आंसर इस साइड कितना आ रहा है 2 अपॉन रूट 2 और इधर साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये भी ऑप्शंस नहीं हो सकता। तीसरी वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 30 डिग्री, अगर आप 30 पुट करते हो ऑलरेडी आप 30 कर चुके हो 45 कर चुके हो 60 करके देखिए तो कितना हो जाएगा साइन 2 इंटू 60 डिग्री है ना, तो ये कितना हो जाएगा साइन 120। स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू भी कितनी होती है रूट 3 अपॉन 2 होती है और RHS में कितना गिवन है आपके पास 2 साइन a के प्लेस पे 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है रूट 3 अपॉन 2, ओवरऑल आंसर रूट 3, ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता। अगर आप 0 पुट करते हो तो क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू 0 डिग्री इक्वल टू 2 साइन a के प्लेस पे 0 डिग्री, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो साइन 0 0 इक्वल्स टू 0, इट्स मीन योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके ओके स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन है 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 10 30 के प्लेस पे कितना 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 रूट 3 का स्क्वायर 3, तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3, इसे सॉल्व करो इसके अपॉन में 1 लेकर के इसका एलसीएम लीजिए 3, तो 3 1 जा 3 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1 2 अपॉन 3। जब भी 4 टर्म्स आ जाए तो फर्स्ट और सेकंड फिक्स और फोर्थ और थर्ड का हम क्या लेते हैं रेसिप्रोकल, तो 3 अपॉन 2 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, रूट 3 के टेबल में रूट 3 पे जा रहा है दैट इज इक्वल टू रूट 3। देखो साइन कॉस में तो ये वैल्यूज होती नहीं है, ओके ये वैल्यू सिंपली किसकी होती है 10 60 डिग्री की एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड टेन ए प्लस बी टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू रूट 3 एंड टेन ए माइनस बी टेन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 बट लेसर देन इक्वल टू 1, कि जो ए प्लस बी की वैल्यूज आनी चाहिए वो आपकी 0 से बड़ी हो सकती है 90 या 90 से छोटी होनी चाहिए, ए इज ग्रेटर देन बी और ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए बी से ग्रेटर होनी चाहिए, तो ए और बी की वैल्यूज बताओ। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ध्यान से देखिए टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू स्टूडेंट्स रूट 3 की वैल्यू कितनी डिग्री पर होती है 60 डिग्री पर, देखो 10 से 10 क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा तो वैल्यूज हमारी क्या आ जाएगी ए प्लस बी इक्वल टू 60 इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से इसे सॉल्व करो टेन ए माइनस बी 1 अपॉन रूट 3 कितने डिग्री पे आता है 10 30 डिग्री पे, तो यहां से a माइनस बी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 30 डिग्री के। ओके इस प्रकार से आपके पास ध्यान से देखिए सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है, अब हम क्या करेंगे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फिर a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, तो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 60 और a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30 डिग्री। स्टूडेंट्स देखो b का कोएफिशिएंट भी सेम है साइन भी अपोजिट है, तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो क्या होगा वाले और वाले क्या होगा 2a और प्लस b माइनस b क्या हो जाएगा कैंसिल इक्वल टू 60 और 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके उसके बाद हम क्या करेंगे किसी भी वन इक्वेशन में आप क्या करो a की वैल्यूज पुट कर दो, तो सपोज फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूं a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री में a के प्लेस में 45 पुट करो तो 45 प्लस बी कितना होगा 60 डिग्री, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 माइनस 45 दैट इज b इक्वल टू हाउ मच 15 डिग्री।
तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 8.2 का ये थर्ड क्वेश्चन फिनिश हुआ। स्टूडेंट्स जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है किसी भी चैप्टर्स के, सारे एमसीक्यू को हम एक वीडियोस में कंटिन्यू प्रोसीड करेंगे, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेकर के, बस एक वीडियो चाहिए सारे एमसीक्यू के लिए। ओके, तो आप क्या करेंगे 8.2 से पहले के सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स करेंगे, पूरी वीडियोस को एंड तक अच्छे तरीके से देखो ताकि सारी की सारी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, बिकॉज मार्क्स अच्छे गेन करने हैं। ओके, अगर आपको कोई डाउट्स होता है आप कमेंट करो, बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगा। ओके, अपनों और अपनों का ख्याल रखिए, बाय।